सुनो जी, अब उठ जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे जाने मन, सोने दो ना, और आओ ना तुम भी मेरे साथ सो जाओ। उठिए, नहीं तो आप लेट हो जाएंगे। तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता, अब आ भी जाओ। इतने में आदि का फोन रिंग करता है और वो हड़बड़ा कर उठ जाता है। जल्दी उठकर वो अपना फोन साइड में लेकर जाता है और बात करता है। कहाँ हो आदि, कब से फोन कर रही हो? अरे नैना, मेरी मैना, यही तो हूँ, क्या हुआ? तुमने कहा था ना कि सुबह ब्रेकफास्ट मेरे साथ करोगे, आए क्यों नहीं अभी तक? बस निकलता हूँ, तुम्हारे पास आधे घंटे में पहुँच जाऊंगा। आदि, आज मैंने ब्रेकफास्ट में तुम्हारी फेवरेट चीज चटनी सैंडविच बनाई है, चलो जल्दी आ जाओ, साथ में खाते हैं कॉफी के साथ। नहीं शालू, आज मन नहीं है, थोड़ा पेट खराब है, मुझे जाना होगा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे लेकिन आपने तो कहा था कि आज लेट ऑफिस जाना है, और अचानक पेट कैसे खराब हो गया? अभी तक तो ठीक था। नहीं नहीं, मुझे जाना होगा, तुम नाश्ता करो, मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, ये आदि भी ना आजकल ना जाने क्या हो गया है, बस कोई फोन आता है और उठकर चले जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। पहले तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे, जब मुझसे शादी हुई थी तब कितना प्यार करते थे, कितना समय हम साथ में बिताते थे, रात और सुबह तक हम साथ ही रहते थे, न जाने क्या हो गया है। ओ माय डार्लिंग आदि, तुम सचमुच मुझसे बहुत प्यार करते हो। बिल्कुल आधे घंटे में तुम यहाँ पहुँच भी गए, तो बताओ क्या बनाया है तुमने मेरे लिए? बनाया? मुझे कुछ बनाना नहीं आता, हम बाहर चल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तुम भी ना आदि। ओह अच्छा, चलो कहाँ चलना है? जहाँ भी तुम ले जाओ। ओके बाबा चलो। आदि एक बात बताओ, तुम अपनी बीवी को कब भगा रहे हो? कब से तो कह रहे हो कि डाइवोर्स लेना है फिर हम शादी करेंगे, कब करोगे ये सब? हाँ हाँ, बहुत जल्दी मैं उस गवार को तलाक दे दूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। लव यू आदि। लव यू टू नैना। चलो अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम घर पहुँचो, मैं दोपहर में तुम्हारे पास आता हूँ। तभी आदि ऑफिस के लिए निकल जाता है। आदि ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा होता है, तभी मोना आती है। लगता है आज तो मोना डार्लिंग बहुत गुस्से में है। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा अच्छा, इधर तो देखो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या बताओ? आज रात तैयार रहना, हम बाहर जा रहे हैं हिल स्टेशन पर। क्या सच में? जी हाँ हाँ हाँ, सच में। अब तुम्हारा आदि पूरा तुम्हारा होगा। मोना दौड़कर आदि के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। लेकिन तुम्हारी वो खड़ूस बीवी? तुम चिंता मत करो, मैं उसे देख लूंगा, और वैसे भी मुझे तो उसे तलाक देना ही है, वो जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए उतना अच्छा रहेगा। आदि दोपहर में नैना के साथ टाइम स्पेंड करके आता है और शाम को मोना के साथ 3 दिन के लिए बाहर चला जाता है। उसी रात वो अपनी बीवी शालू को फोन करता है। हेलो शालू, मुझे ऑफिस में जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। लव यू डार्लिंग। अच्छा सुनिए ना, आप समय से वापस आ जाना, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ छोटे से हिल स्टेशन जा रही हूँ, इतना प्यारा मौसम है तो सभी लोगों ने सोचा कि वहीं का प्लान करते हैं, और अब आप भी नहीं है तो मैं चली जाती हूँ उन लोगों के साथ। अरे हाँ हाँ, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, जाओ बहुत एंजॉय करना, मैं भी तुमसे 3 दिनों बाद मिलता हूँ। लव यू डार्लिंग। उसके बाद आदि नैना को कॉल करता है। नैना मैं 4 दिनों तक तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, दरअसल ऑफिस की एक जरूरी मीटिंग के चलते मैं यहाँ 3 दिनों के लिए बाहर आया हूँ, तुम अपना ख्याल रखना डार्लिंग। ओके आदि, कोई बात नहीं, दोपहर में तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरी बिल्डिंग के लोग पास के हिल स्टेशन जा रहे हैं, तो अब तुम भी नहीं हो 3 दिनों के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके साथ चली जाती हूँ। अरे हाँ भाई, तुम्हारी लाइफ है, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जाओ, मुझे इस तरह मत पूछो, मैं एक आजाद ख्यालों का लड़का हूँ। ओह लव यू आदि, तुम जैसा पति मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पता नहीं तुम्हारी बीवी कैसी है जो तुमसे इतना गंदा बिहेव करती है।
तुम भी कहाँ अच्छे कामों में उस मनहूस की बातें कर रही हो। एंजॉय योर ट्रिप, लव यू बेबी। लव यू आदि। आदि मोना के साथ हिल स्टेशन पर जा रहा था, जहाँ पर शालू और नैना भी पहुँच रही थी। ये बात किसी को भी पता नहीं थी, और अचानक मोना शालू को देखते हुए कहती है, शालू दीदी कैसी हो आप? कितने दिनों बाद देखा है आपको, आपकी शादी के बाद से आप मिल रहे हैं। तुझे तो पता ही है मोना, मेरी शादी किन स्थितियों में हुई थी। मम्मी पापा को भी आदि पसंद नहीं था, तो हम लोगों ने भागकर शादी कर ली। लेकिन तुम यहाँ कैसे? दीदी मैं यहीं आ गई हूँ आगे की पढ़ाई के लिए, और एक जॉब भी ज्वाइन कर लिया है एक अच्छी कंपनी में। फिलहाल के लिए सेक्रेटरी का जॉब कर रही हूँ, ताकि अपने एक्सपेंसेस निकल जाए, और फिर आगे की हायर एजुकेशन भी तो करनी है ना। बहुत अच्छी बात है मोना। मौसी जी और मौसा जी कैसे हैं, और नैना कैसी है? ना तो तुम दोनों से शादी के बाद कोई मुलाकात हुई, और ना ही तुम अपने जीजू से मिली हो। सभी अच्छे हैं दीदी, और नैना का मुझे पता नहीं आजकल कहाँ है वो। उससे भी बहुत दिन हो गए मेरी मुलाकात नहीं हुई। सपना मौसी बता रही थी कि वो भी बाहर जॉब सर्च कर रही थी। वैसे आप क्या यहाँ जीजू के साथ आई हो? अरे नहीं, वो तो अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। तुम भी अपने दोस्तों के साथ आई हो क्या? नहीं नहीं दीदी, वो मैं आदि के साथ आई हूँ। हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। अरे वाह, कहाँ है वो, मुझे भी मिलना है। हाँ दीदी जरूर। अरे कहाँ गए, अभी तो यहीं थे। तभी अचानक से वहाँ पर नैना आ जाती है। मोना और शालू इस कोइंसिडेंस को देख चौंक जाते हैं, और तीनों एक दूसरे से मिलती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी दोनों मौसेरी बहनों से मैं यहाँ मिलूंगी, वो भी इस तरह से। शालू दीदी, मोना दीदी, आप दोनों यहाँ? हम तो ठीक है, लेकिन तू यहाँ किसके साथ आई है? हाँ बता। मैं अपने एक ग्रुप के साथ यहाँ आई हूँ। देखो जरा, कितने लंबे टाइम से हम एक शहर में रहने के बाद भी यहाँ मिले हैं, इस हिल स्टेशन पर। हाँ दीदी, आपकी शादी के बाद से तो आपसे मिलना ही नहीं हुआ, और देखो पूरे 2 साल बाद हम यहाँ मिल रहे हैं। दीदी देखो, सामने से आदि आ रहा है। अरे आदित्य, ये तो किसी टूर पर गए थे। सामने से जो आ रहा है वो तो बिल्कुल आदि जैसा दिख रहा है। आदि जैसे नहीं, ये आदि ही है, मेरे आदि। आने दो से, अब वो खुद ही बताएगा आखिर वो किसका है। आदि जैसे जैसे उन तीनों के थोड़ा पास आ रहा था, उसे ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था कि तीनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। वो उनके पास आता जा रहा था, और धीरे धीरे ये सारी तस्वीर साफ होती जाती है कि वो तीनों एक साथ ही खड़ी थी। आदि वहां से पलटने ही वाला था कि तभी शालू दौड़कर आदि के पास जाती है। आदित्य, तुम्हें मोना आदि बुला रही है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? दीदी यही तो आदि है जिसे मैं प्यार करती हूँ, हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। हाँ दीदी, जो मेरे अच्छे दोस्त है आदि, वो भी यही है। अब तुम इन दोनों को कुछ बताओगे या मैं बताऊं? मुझे माफ कर दो शालू, मैं बह गया था, मुझे माफ कर दो। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा। शालू दीदी, मोना, नैना, ये तुम्हारे जीजू है। 2 साल पहले मेरी शादी इन्हीं के साथ हुई थी। तुम दोनों से मेरी मुलाकात 2 साल बाद हो रही है, और तुमने इन्हें कभी देखा भी नहीं, इसलिए तुम इन्हें पहचान नहीं पाए। और ये वही इंसान है जिससे मेरी शादी हुई थी। वो अब तक मुझे धोखा दे रहा था, और वो किसी एक लड़की के साथ नहीं बल्कि 2-2 लड़कियों के साथ था। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, और साथ में तुम दोनों की भी। अब तुम दोनों ही बताओ कि इसके साथ क्या करना चाहिए। दीदी, इसने आपकी और हमारी जिंदगी बर्बाद की है, इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसे जेल में डालना चाहिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आदित्य तुम ऐसा कर सकते हो। तुमने एक साथ 3-3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। मैं क्या कहूंगी मम्मी डैडी से,
कि मैंने ऐसे इंसान के साथ भागकर शादी की है जो मेरे होते हुए भी मेरी बहनों के साथ। छी, मुझे माफ कर दो शालू, मुझे माफ कर दो, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। माफी? मैं तुम्हें एक बार माफी दे भी देती अगर तुम मेरी बहनों को छोड़कर किसी और लड़की के साथ होते, तब भी तुम्हें माफ तो नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैं सोच सकती थी। लेकिन एक साथ तुम तीन तीन लड़कियों के साथ में थे, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मोना, नैना, चलो यहाँ से। मैं आज और अभी इसी वक्त इस आदमी को यहीं पर छोड़ती हूँ और तुम्हारे खिलाफ हम तीनों मिलकर कंप्लेन करेंगे। ये कहते हुए मोना, नैना और शालू तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और आदित्य के नाम की कंप्लेन डालते हैं। पुलिस आती है और आदित्य पर कई सारी धाराएं लगती है और अब आदित्य जेल की सलाखों के पीछे है। बेलापुर गांव में छोटी सी बेला अपने परिवार के साथ रहती थी जो अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी माँ सविता को अक्सर बेला की शादी की चिंता रहने लगती। सविता जल्द ही बेला की शादी कर देना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर जल्दी ही बेला की शादी नहीं की तो कहीं किसी के साथ उसका चक्कर ना शुरू हो जाए। एक दिन बेला की माँ, बेला बेटिया, अब तेरा स्कूल खत्म हो गया है और तू घोड़ी जैसी बड़ी हो गई है, मेरे साथ जरा काम में हाथ बटवाया कर, जल्दी ही तेरे हाथ भी पीले करने हैं मुझे। माँ, लेकिन मुझे कॉलेज जाना है और शादी तो होती रहेगी, पहले पढ़ाई तो पूरी कर लूँ। हाँ हाँ, मैंने कहाँ मना किया है, कर लेना पढ़ाई पूरी, लेकिन पहले शादी करनी होगी। तभी बेला के पिताजी मनमोहन वहाँ आते हैं। अरे बेला, कहाँ है बेटी? सविता, कहाँ हो सब? अरे सब अंदर ही है, बाहर से ही चिल्लाते रहते हो, अंदर तो आ जाओ। अरे बेला के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। कहाँ से आया लड़का, कैसा है? अरे शहर का रिश्ता है और लड़का अपने पिता का बिजनेस संभालता है और उसका दूसरा बड़ा भाई विदेश में है, वो तो शादी कर नहीं रहा, तो अब घर वाले जल्दी से छोटे की करना चाहते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, जैसा सोचा था वैसा ही रिश्ता आया। बेला, अरे ओ बेला, सुना तेरे पापा ने क्या कहा, शहर से रिश्ता आया है तेरे लिए। ये सुनकर बेला भी खुश हो जाती है और अपनी माँ से पूछती है, माँ वैसे लड़का क्या करता है और दिखता कैसा है? अरे इतनी उतावली मत हो, सब जल्दी ही पता चल जाएगा, कल ही हम सब वहाँ जा रहे हैं। बेला ये सुनकर बहुत खुश होती है और जल्दी से सारी तैयारियां करने लगती है। अगले दिन सभी शहर के लिए निकलते हैं। लड़के के घर पहुंचकर उसका घर देख सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि घर बहुत बड़ा होता है। तभी लड़के की माँ आती है। अरे आइए आइए बहन जी, आपका बहुत स्वागत है। सभी जाकर अंदर बैठते हैं लेकिन बेला की नजरें तो किसी और को ही ढूंढ रही थी। तभी लड़के की माँ कहती है, हमने तो बेला को फोटो में देखकर ही पसंद कर लिया था, लेकिन सामने से तो आपकी बेला लाखों में एक है। ये सुन बेला शर्मा जाती है। तभी वहाँ लड़का सोहम आ जाता है जिसे देख बेला के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। सोहम भी आंखों ही आंखों में बेला को बता देता है कि उसे बेला बहुत पसंद है। तभी लड़के के पिता कहते हैं, मनमोहन जी देखिए, अब दोनों बच्चों की शादी जल्द ही कर देनी चाहिए, आपको तो पता ही है सोहम का बड़ा भाई कुणाल विदेश में है और वो शादी करना ही नहीं चाहता, तो हमने सोचा जल्द ही सोहम की शादी कर देते हैं। अब इतना बड़ा बिजनेस है, इसे संभालने के लिए हमारी आगे की पीढ़ी भी तो जल्दी आनी चाहिए ना, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए हमें एकदम सुंदर बहू चाहिए, बिल्कुल आपकी बेला जैसी। जी जी क्यों नहीं, जब आप कहें तब शादी फिक्स करते हैं। जल्द ही शादी का मुहूर्त तय हो जाता है और 15 ही दिन में बेला और सोहम की शादी हो जाती है। बेला उस आलिशान घर की चकाचौंध देखकर बस उसी में खोई रहती।
उसे सोहम जैसा एक अच्छा जीवन साथी मिला जो उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन अचानक कुणाल का विदेश से फोन आता है कि वो घर आ रहा है। तभी बेला की सास बेला से, बेला बेटा तुम्हारे जेठ जी आ रहे हैं जिनसे तुम पहली बार मिलोगी। मेरा कुणाल सोहम की परछाई है, वो भी तुमसे पहली बार मिलेगा। आज उसके लिए अपने हाथों से कुछ अच्छा बना दे बेटा। जी माँ जी। थोड़ी ही देर में कुणाल घर पहुंच जाता है। वो सबसे मिलता है। बेला की सास उसे बेला से मिलवाती है। बेला की सुंदरता देखकर कुणाल के मन में कुछ होता है, क्योंकि बेला थी ही इतनी सुंदर। बेला, ये तुम्हारे जेठ जी है कुणाल, और कुणाल ये इस घर की बहू सोहम की पत्नी बेला है। है ना बहुत सुंदर? भगवान करे इसे देखकर तेरा भी शादी करने का मन हो जाए। ये सुनकर बेला शर्मा जाती है और कुणाल से कहती है, कुणाल जी आप हाथ मुंह धो लीजिए, आपके लिए स्पेशल बनाया है। तभी बेला की सास कहती है, बेटा ये तुम्हारे जेठ जी है, इन्हें नाम से नहीं बुलाते, इन्हें भैया कहकर बुलाओ। तभी कुणाल कहता है, ओ मॉम कैसी बातें कर रही हो, आजकल सब चलता है। बेला यू कॉल मी कुणाल, ओनली कुणाल। ओके कुणाल जी। कुणाल और बेला में बहुत अच्छी बनने लगती है। बेला कुणाल के बहुत करीब आ जाती है। बेला कुणाल से अपनी सारी बातें बताती है कि वो आगे पढ़ना चाहती है और भी बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन वो इस घर में बहुत खुश है। और तभी कुणाल बेला की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। कहीं ना कहीं बेला भी उसे बहुत पसंद करती है। तभी कुणाल बेला से कहता है, बेला तुम्हारी कोई बहन बहन है क्या जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती हो? भला क्यों? मेरा भी अब शादी करने का मन होने लगा है तुम्हें देखकर। मुझे भी लगता है कि मुझे भी तुम्हारे जैसी लड़की चाहिए थी, और अभी तक मैं समझ ही नहीं पा रहा था। तो आप विदेश से पहले क्यों नहीं आ गए, तो सोहम की जगह मेरी शादी आपसे ही होती। माँ ने तो मुझे तुम्हारा कभी फोटो ही नहीं दिखाया, वरना सच हमारी शादी हो जाती। ये सारी बातें बेला की सास छुप कर सुन रही होती है, और वो मन ही मन सोचती है कि अब जल्द ही कुणाल की भी शादी करनी होगी। उसके लिए बेला जैसी एक सुंदर बहू लानी होगी, और वो गांव में बेला जैसी सुंदर लड़की की तलाश करने चले जाते हैं। और उनकी तलाश खत्म होती है लेखा पर, जो बेहद सुंदर होती है। लेखा का फोटो कुणाल को दिखाया जाता है, और कुणाल लेखा से शादी के लिए हाँ कर देता है। तभी बेला की सास बेला से कहती है, बेला तुम हमारे घर के लिए बहुत शुभ हो। तुम्हारे जेठ जो कभी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुम्हें देखकर उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। हमारा परिवार अब पूरा हो गया। जी माँ जी। बेला और कुणाल भी समझ गए कि उनका रिश्ता जेठ और बहू का है। बेला अब एक बेटे को जन्म दे चुकी है, और उसने अपनी आगे की पढ़ाई भी शुरू कर दी है, जिसमें कुणाल यानी कि बेला के जेठ उसकी अक्सर मदद करते हैं। चैनापुर गांव में चुलबुल नाम का एक लड़का अपने माँ बाबूजी के साथ रहता था। चुलबुल बड़ा ही सीधा साधा था, और वह अपने बाबूजी के साथ अपनी राशन की दुकान पर काम करता था। एक दिन चुलबुल की माँ, अरे चुल्लू के बाबूजी, जरा दुकान से दिमाग हटाकर अपने लड़के की तरफ भी ध्यान दे दो। घोड़े जैसा बड़ा हो गया है, 25 साल का। अरे इसकी शादी वादी करनी है कि नहीं, और अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। बहू ले आओ तो मैं भी थोड़ा आराम करूँ। अरे हाँ भगवान, मुझे भी सब दिखता है। अरे कल ही मैंने अपने पांडे जी से बात की थी, वो बता रहे थे उनके गांव छगनपुर में एक लड़की है रसीली नाम की, बहुत सुंदर है, कल वो फोटो लेकर आने वाले हैं। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है।